खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। आज हमने आपको एबीपी न्यूज़ पर बिहार की हर सीट का सर्वे दिखाया। बिहार 40 लोकसभा सीटें, 4 रीजन में हमने बिहार को बांटा और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हर सीट का अनुमान हमने आपको दिखाया कि यूपीए जीतेगी या एनडीए जीतेगा। तो जो पूरी तस्वीर उभरी है 40 की 40 सीट, अब बात यूपी और एनडीए से आगे बढ़कर आपको दिखा देते हैं कौन सा दल कितनी सीट जीतेगा। बीजेपी जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो 17 में से 16 सीट जीत रही है। सिर्फ एक अररिया की सीट ऐसी है जो बीजेपी हारेगी। जेडीयू 17 सीट पर, जेडीयू भी चुनाव मैदान में और इन 17 में से जेडीयू जीतेगी 12 सीट। मतलब बहुत साफ, 5 सीट जेडीयू हार रही है। 5 सीट कौन कौन सी जेडीयू हार रही है मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सीतामढ़ी, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, काराकट, ये 5 सीट जेडीयू हारेगी। एलजेपी 6 सीट पर चुनाव मैदान में, 6 की 6 सीट एलजेपी निकाल ले जाएगी। जीत रही है एलजेपी 6 सीट, आरजेडी जीत रही है 5 सीट, 1 सीट आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकट की सीट जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब तक किस तरीके से देश के कई राज्यों का सफर हमने तय किया और अब तक सर्वे में जो 13 की जगह अब 14 राज्य, बिहार को जोड़ लीजिए इसमें, बड़ी तस्वीर जो उभर रही है उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं आपके सामने। सर्वे में अब तक 14 राज्य हो चुके हैं और कुल सीटें हो चुकी हैं 294। इन 294 हर सीट के बारे में हमने आपको अनुमान दिखा दिया है और ऐसे में एनडीए के खाते में 137, यूपीए के खाते में 67, अन्य 40। 2014 में इन 294 में से एनडीए ने 201 सीटें जीती थी, यूपीए ने जीती थी 26 सीटें, अन्य के खाते में सिर्फ 67 सीटें गई थी। इसके बाद कितना फायदा कितना नुकसान, ये सबसे बड़ा आंकड़ा आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एनडीए को अब तक इन 294 सीटों में हो रहा है सिर्फ 14 सीट का नुकसान, लेकिन यूपीए को अब तक हो रहा है 41 सीट का फायदा। ये सबसे बड़ा आंकड़ा कितना फायदा कितना नुकसान का, अन्य को हो रहा है 27 सीट का नुकसान, यूपीए का फायदा 41 पर पहुंच गया है, एनडीए का नुकसान 14 पर है, नुकसान घट रहा है। और आज जिस तरीके से एबीपी न्यूज पर हमने बिहार का यह सर्वे आपको दिखाया।